छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए एसपी प्रशांत अग्रवाल एक्शनल मोड में दिख रहे हैं। हालांकि अब तक बड़े अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है, बड़े खाई वालों से भी पहुंच दूर है। इसी कड़ी में लगातार थानों का औचक निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया गया है। एसपी ने थानों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, रजिस्टर में खामियां मिलने पर उन्होंने सुधारने के निर्देश दिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एसपी प्रशांत अग्रवाल से खास बातचीत की एमकेएन संवाददाता अखिलेश तिवारी ने। एसपी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल जी साथ में, निश्चित तौर पर देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ सर अपराधियों का काफी ज्यादा बढ़ोतरी होते जा रहा है और जो लगाम लगनी चाहिए इससे संतुष्टि तो है ही, लेकिन अब तक की जो संतुष्टि होनी चाहिए क्योंकि चाकूबाजी भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? चाकूबाजी पे बहुत लगाम लगी है और काफी सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे चाकू भी जब्त हुए हैं पहले, और फ्रीक्वेंट चेकिंग्स भी हम लोग करा रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल गिरावट है चाकूबाजी में। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि चौरसिया कॉलोनी से जो बच्चा गायब हुआ है, अब तक लापता है सर, 9 मार्च पहले भी वहाँ बच्चा गायब हुआ है, अब तक की पतातासी नहीं हो पाई, पुलिस कहाँ तक पहुँची? इसमें हर एंगल से पुलिस ने पूछताछ करी है, बहुत सारे लोगों से जानकारी ली है और आसपास के एरिया में भी देखा है, इवन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है, तो किसी प्रकार के उसमें कुछ सी किडनैपिंग टाइप की बात तो अभी तक सामने नहीं आई है और उसकी पता तलाश हर तरीके से पुलिस अभी भी कर रही है। कहाँ तक पहुँची है सर जाँच, क्योंकि 50 दिनों से ज़्यादा हो गया है ये जाँच को, अब तक के नहीं मिल पाया है और उनके माँ बाप जो है अब भी दर दर भटक रहे हैं, उसकी किस तरीके से समझा? नहीं, जो भी पॉसिबल सोर्सेज हैं पुलिस हर जगह से पूछताछ करी और अभी भी उस पर प्रयास पूरी तरीके से जारी है। सर ये जो नशे के सौदागर, नशा होने के बाद ही चाकूबाजी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही, नशे के ऊपर कब कंट्रोल कर पाएंगे सर आप? अभी पिछले एक हफ्ते में 15 से ज़्यादा NDPS की कार्रवाई हुई है जिसमें लोगों से गांजा जब्ती किया है और जो इधर उधर जो बेचते थे उन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। पब्लिक प्लेस में शराब पीने वालों पर 200 से अधिक कार्रवाइयाँ पिछले 10 दिनों में करी हैं, तो इन सब तरीके से जो पब्लिक प्लेस में नशाबाजी करके घूमते रहते हैं उन पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने की कोशिश पुलिस ने करी है। निश्चित तौर पे देखा जाता है कि जो नशा है वो उसके तहत ही चाकूबाजी की जो घटना है वो लगातार जारी रहती है, लेकिन अब पुलिस निरंतर लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे चल के जिस तरीके से जो नशों के सौदागर हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, MKN न्यूज़, रायपुर छत्तीसगढ़।